तो वर्ड आर्ट में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने ये लिख रखा है, या कहीं भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, इनको मूव करना जरा मसला होता है। इसे पकड़ के कहीं मूव नहीं कर सकते, ये स्पेस से एंटर से आगे पीछे मूव किए जा सकते हैं। वर्ड आर्ट में हम ये एडवांटेज मिलता है कि हम टेक्स्ट को पोर्टेबल बना सकते हैं। मतलब पोर्टेबल इस सेंस में कि आप उसको इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे, पहले हम देखते हैं वर्ड आर्ट कैसे बनाते हैं। वर्ड आर्ट हम इंसर्ट में जाके आर्टिस्टिक्स टेक्स्ट होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें से कोई भी एक आप वर्ड आर्ट का स्टाइल ले लें, और लेने के बाद आप यहाँ पे लिख दें, जैसे सपोज टू बी क्वेश्चन देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू अल हुसैनी। ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया, तो ये हमने वर्ड आर्ट के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया, और यहाँ से क्लिक करके नीचे आए, और एक दूसरा वर्ड आर्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसके नीचे आ गया। अगला वर्ड आर्ट हमें एक अगले पेज पे बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो तीन किस्म के वर्ड आर्ट यहाँ पे ले लिए। अब इन वर्ड आर्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप नोट करेंगे शेप फॉर्मेट का एक टैब एक्टिवेट होगा। इधर क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे एक्टिवेट हो रहा है। इस पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर बाकायदा हमें वर्ड आर्ट स्टाइल से रिलेटेड एक पैनल नजर आएगा। इस पैनल का एडवांस फॉर्म यहाँ से भी खोल के देख सकते हैं, यहाँ नजर आएगा ये। तो अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट को भी दो तरह से कलर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले एक हैवी फॉन्ट ले लेता हूँ जो थोड़ा बोल्ड हो इससे, ओके। और शेप फॉर्मेट में जाके अगर मुझे इसके इनसाइड कलर देना है तो यहाँ से कोई भी कलर मैं दे सकता हूँ, यानी कि इनसाइड कलर मैंने इसको व्हाइट दे दिया, और आउटलाइन पर जो कलर देना है वो यहाँ से बता सकता हूँ, ठीक है। और दोनों पे सेम कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और क्विक स्टाइल्स में बने बनाए वर्ड आर्ट्स को यहाँ से चूज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से क्लिक करके अगर इसको शेड देना चाहें तो ये डिफरेंट किस्म के शेड्स हैं जो मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। इस तरह का शेड, इस तरह का शेड, इस तरह का शेड, इस तरह के डिफरेंट शेड्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट किस्म के रिफ्लेक्शन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी शेड या इफेक्ट अप्लाई करने के बाद उसको खत्म करने का तरीका यह है कि उसी में जाएंगे और उससे ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे जिससे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ग्लो ऑप्शन देने हैं तो यहाँ मैं मुख्तलिफ तरीके से ग्लो करा सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसका ग्लो भी खत्म करना है तो यहाँ से जाके ग्लो खत्म कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर बीवेल मुझे इस पर अप्लाई करना है तो डिफरेंट किस्म के बीवेल्स में यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, और खत्म करना है तो यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। इसके अलावा 3D रोटेशन में मुझे इसको जिस तरह से भी टेक्स्ट को दिखाना है रोटेशन स्टाइल में, तो यहाँ से वो स्टाइल इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद खत्म करना चाहूँ तो उसको दोबारा से जाके रोटेशन में जाके यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम इसके स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम तीन चार ट्रांसफॉर्मेशन करके बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको राउंड कैसे करेंगे, तो मैंने देखिए ये ऑप्शन लिया और राउंड करने के लिए खींच के इस तरह से बिल्कुल राउंड कर दिया। ये देखिए इस तरह से, ठीक
ये राउंड होके नजर आ रहा है। इसके अलावा हमें ये येलो पॉइंट भी मिलेगा जिससे हम इसको कम्प्लीटली राउंड भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर हम इसको कंप्लीट राउंड नहीं करना चाह रहे तो इस तरह से हम इसको हाफ भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये दोबारा से रीसेट हो जाता है। अब आइए इसको भी एक अलग से हम इसको बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो इसको मैं एक गोल ट्रांसफॉर्मेशन दे देता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के इसे राउंड में भी बना सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आइए इसको कुछ ट्राई करते हैं, इसके ऊपर कुछ लगाते हैं। इस पर मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ और यहाँ से क्लिक करके ऐसा भी बना सकते हैं हम इसको, ऐसा करके बना लें और इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं सपोज टू बी। इंसर्ट में जाके यहाँ वर्ड आर्ट पे एक और ले लेते हैं सपोज, इसके ऊपर क्लिक करके ओके। इसके बाद अगर किसी वर्ड आर्ट का डुप्लीकेट करना हो तो उसके इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जब वो सिलेक्ट हो जाएगा मूव करने के लिए भी यही ऑप्शन यूज करेंगे और उसको कंट्रोल डी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओके। तो उसके बाद इसको भी अगर हम वर्ड आर्ट के अंदर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, अगर फॉन्ट के चेंज करने की मिसाल है तो सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ क्लिक करके हम डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड देन फिर इसको यहाँ से जाके डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, ये वाला लगा दें, या फिर हम इस पर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, या फिर हम इस पर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, तो ये इस तरह से नजर आएगा। अक्सर आपने कॉपीज पर बुक्स पर ऐसे देखे होंगे बने हुए, सही है। तो यहाँ से क्लिक करके अगर फॉन्ट को और मजीद चेंज करना चाह रहे हैं तो जैसे एरियल ब्लैक ले लेते हैं और इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई डिफरेंट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके ये वाली या ये वाला या ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट मोड में ये बिल्कुल सीधा नजर आएगा, जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे अपने स्टाइल में नजर आएगा। स्टाइल चेंज करना है तो दोबारा सेलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको यहाँ से डिफरेंट किस्म से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वर्ड आर्ट कैसे काम कर रहा होता है, इसके इफेक्ट्स वगैरह कैसे काम कर रहे होते हैं, ये राउंड करना भी समझ में आ गया किस तरह से राउंड हो रहा है। अब टेक्स्ट के साथ इसको कैसे डील करेंगे, लेट सपोज मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट के साथ वर्ड आर्ट को डील करने का तरीका ये होता है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है तो वर्ड आर्ट उसके नीचे चला गया, ये वर्ड आर्ट यहाँ आ गया। अब आप वर्ड आर्ट को ऊपर चाहते हैं क्लिक करेंगे, ये आपके रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप कर लें टॉप एंड बॉटम कर लें, इसके लिए बेहतर ये रहेगा। ये आ गया टॉप एंड बॉटम, ये टॉप एंड बॉटम जैसे ही करेंगे तो ये देखिए सबसे टॉप पर चला गया होगा जहाँ पे ये पहले था, बल्कि वहाँ पे भी कहाँ चला गया, ये सबसे आखिर में आ गया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि सारे पेजेस मेरे सामने आ जाएं और इसको पकड़ के इस तरीके से मैं पहले पेज पे ले आता हूँ। अब टॉप एंड बॉटम में ये होगा कि जहाँ पे वर्ड आर्ट होगा उसके नीचे से, उसके कैनवस के नीचे से टेक्स्ट शुरू होगा। अब इतना पेज हमारा खाली हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा मसला नहीं बन रहा, इस पर भी नहीं बन रहा, इस पर भी नहीं बन रहा। हाँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, अगर ये मैंने क्या कर दिया इसको बिहाइंड टेक्स्ट, अगर मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ तो ये टेक्स्ट के आगे तो आ जाता है लेकिन फिर टेक्स्ट और ये मिक्स हो जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसमें हमें करना ये होगा कि हम थोड़ी देर के लिए वर्ड आर्ट को नीचे करते हैं और यहाँ से अपने टेक्स्ट को एंटर करके नीचे ले आते हैं, वर्ड आर्ट भी नीचे चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं फिर वर्ड आर्ट को दोबारा से पकड़ के ऊपर ले आते हैं, वर्ड आर्ट ऊपर आ जाएगा, फिर हम बाहर इस बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे वरना ये एडिट मोड में चला जाएगा। बाहर क्लिक करके कर्सर को एरो कीज की मदद से ऊपर ले जाएंगे और टेक्स्ट को डिलीट और इस कीज की मदद से सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको हेडिंग वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं। अगर बीच में कोई शेप या कोई टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए दोबारा से टेक्स्ट दिखाना है तो वर्ड आर्ट को यूज करना होगा। सपोज टू बी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सपोज टू बी नोट्स लिख दिया मैंने एक, और इस नोट्स को उठा के मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये पकड़ के मैंने इसके बीच में यहाँ पे रख दिया। और अगर कोई लोगो दिखाना है बीच में तो इंसर्ट में गए, यहाँ पे एक पहले शेप बनाएंगे, उस शेप में जो पिक्चर लगानी है आपको लोगो वगैरह की, यहाँ से क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे और जो पिक्चर आपने उसके अंदर सेट करनी है वो यहाँ से जाके आप उसके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप वर्ड आर्ट को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ।